Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. alaikum to all of you. This is Ikra Khan, your lecturer. And I am from Lims Legend Institute of Management and Sciences from Multan. Department is BS English, fifth semester. And today's our topic is Lexical Priming by Michael Hoy. Lexical Priming is the name given to a linguistic theory developed by Michael Hoy. विच सीक्स टू रिलेट कारपस लिंग्विस्टिक कन्सेप्ट सचैस कॉलोकेशन एंड कोलीगेशन लक्सिकल प्राइमिंग जो है वो लिंग्विस्टिक थेरी है जो कि डिवेलप करवाई थी माइकल होए ने अब वो विच सीक्स टू रिलेट यानी जिसके लिए वो रिसर्च या सीक मीन्स होता है यानी फाइंड करना रिसर्च बेस ठीक है तो उसके कॉन्प्ट क्या थे लिंग्विस्टिक के उसके कन्सेप्ट थे कोलोकेशन एंड कॉलीगेशन टू द एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स इंटरेस्टेड इन द इंटरडेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑफ वर्ड एसोसिएशन मीन्स कि जो हमने कोलिगे एंड कोलोकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था इससे पहले ये उन्हीं सब चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट्स होता है कि हम uh, उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देते हैं उनका उनके क्लास चेंज कर देते हैं कोई भी फ्रेज से कोई भी क्लाज से या कोई भी सेंटेंस से तो ये वही वही हैं कोलोकेशन एंड कोलोकेशन कंपाउंड वर्ड्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं इफ़ यू रिमेम्बर हमने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ा था अच्छा इंटरेस्टिंग इधर यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया लिंग्विस्टिक थेरी सिंस द मिड नाइनटीन फिफ्टीज हैव वेरिड इन द एक्सटेंट टू विच दे हैव प्रोवाइड अ कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लुएंसी और हैव ऑफर्ड अ सिस्टमेटिक एंड कंप्रीहेंसिव मॉडल ऑफ वेरिएशन यानी कि इसके अंदर नाइनटीन फिफ्टीज तक के मिड के जितने भी इसमें थेरीज थी लिंग्विस्टिक थेरीज थी वो इसके अंदर काउंट होती हैं उनकी सब एक्सप्लेनेशन जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है दे हैव वेरिड टू इन द

जो भी हमारे पास मल्टीपल सेंसेस होती हैं जिस तरह हमने लेक्सिकल रिलेशंस पढ़े थे लैक्सिकल रिलेशंस या सेंसेस अगर हम उनको कहें तो वो ये होता है जैसे हमारे पास मेटाफर है सेमेलीस है होमो हॉमोनस हैं हॉमोफोन्स हैं वो सब चीज़ें भी इसके अंदर ही इंक्लूड होंगी लेक्सिकल प्राइमिंग में मैं उनको अगर एक दफ़ा रिपीट कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है वो अंडरस्टूड हो आप लोगों के लिए कंसेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो जाए तो डैट्स ईजी होमोफोन्स uh, जो कि पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं द वर्ड्स डेट सेम साउंड एंड सेम साउंड बट नॉट इन सेम मीनिंगस और स्पेलिंग्स ठीक है तो वो होते हैं हमारे होमोफोन्स जैसे पेयर ऑफ वर्ड्स हम लोग पढ़ते रहे हैं गोल एंड गेट एंड गेट डियर एंड डियर इस तरह से जितने भी होते हैं बेल बेल ठीक है तो ये सारे होते हैं होमोफोन्स होमोनिम्स क्या होते हैं बेटा सेम स्पेलिंग एंड सेम साउंड different meanings वो होती है हमारे पास homonyms हमोनीम homonym, homonym हारमोनीम बोलते हैं बेटा जैसे वर्ड है रोज एंड रोज ठीक है वाटर रोजअप एंड वाटर जो है वो एक rose up जो है वो वाला भरने की इंग्लिश में आ जाता है एक रोज़ जो है वो गुलाब यानी फ्लावर फ्लावर की फॉर्म में होता है टाइप ऑफ फ्लावर ठीक है रोज तो इस तरह से ये बहुत सारे इनके जो है वो आगे स, फर्दर काउंट होते हैं मेटाफ़र और सेमिलीज भी इसी तरह ही हैं इसमें कंपैरिजन किया जाता है सेमिलीज़ में हम एज़ और लाइक के वर्ड्स यूज़ करते हैं जबकि मेटाफर में एज और लाइक के वर्ड यूज़ नहीं होते बट उसको फिर भी कंपैरिजन जो है वो डायरेक्टली ही कर दिया जाता है ठीक है तो इसके अंदर सारे सेंस रिलेशन वही वाले बताने का मकसद ये था कि वही वाले सारे जो सेंस रिलेशनस थे लेक्सिकल uh, के वही लेक्सिकल प्राइमिंग जो है वो इसके अंदर इसमें भी इंक्लूड होंगे बेशक वो इसमें राइट करें या ना करें लेकिन आप लोग वो भी करेंगे अब हम आ जाते हैं यहाँ से दे हैव वेरी ट्रू ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रॉम कॉर्पस लिंग्विस्टिक परस्पेक्टिव दे हैव यूजुअली मेड नो अटेम्प्ट टू अकाउंट फॉर कोलोकेशन कोलोकेशन क्या देखें यहां इन्होंने ब्रैकेट में आंसर उसका भी जो है वो डिफाइन किया हुआ है उसे

ठीक है जैसे उसमें हो जाता है कि आ, दुम दबा के भागना आ, हाथ के बल हाथ 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 के बल भागना तो आसमान से गिरा खजूर में अटका तो ऐसे यानी ये जस्ट हम उस चीज़ को ना बता रहे होते हैं लेकिन वो एग्जैक्ट वैसा हुआ नहीं होता बट कुछ कंडीशंस या कुछ सिचुएशन वैसी बन जाती है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो वाकई आसमान से गिराए खजूर में अटका ऐसे नहीं होता भागते चौथ की लंगोटी ही सही बहुत सारे यहाँ पे प्रोवर्ब्स आते हैं हमारे पास तो वो कहती हैं कि उसी तरह होता है उसमें कि हम समझ तो वैसे ही रहे होते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम प्रोवर्ब्स बना देते हैं पर वो एग्जैक्ट मीनिंग उसका वो नहीं होता जस्ट हम उसको एक आप कह सकते हैं कि जो अपेरेंस है उसकी जस्ट एक बाहिर एक मीनिंग है उसका ठीक है हिडन मीनिंग्स नहीं है जस्ट एक सीमेंटिक टिक मीनिंग है ये उसका अच्छा द कंसेप्ट इज यूजली एट फर्स्ट बट इट बट इट इज इन द वर्क ऑफ कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स एंड अदर कंसर्न विद अथेंटिक डाटा सच एज हेलेडेक्र लीच स्टबस एंड पैटरिगन पैटिंग पैटिंगटन एंड डेट द कंसेप्ट रीच इट्स फुल पोटेंशियल यानी जिस तरह से इन लोगों ने उस इन सब लिंग्विस्ट ने जो है वो इस पर काम किया है बिल्कुल कारपस लिंग्विस्टिक पर इन लोगों का जो है वो बड़ा अच्छा एक डाटा है या काम है अथेंटिक इन्होंने बड़ा काम किया हुआ है उस पर सेटिसफेक्ट्री थेरी ऑफ लैंग्वेज शुड बी एबल टू अकाउंट फॉर कॉलोकेशन सेंस इट हैज़ बीन फॉन्ड बाई कारपस लिंग्विस्टिक to be not only present in all the languages they have studied but pervas pervasive other collocation is a statistically odd phenomena rising out of, uh, of the accident that new linguists utterances repeatedly make use of same individual buildings blocks or it's a product of drawing upon a mental store or of a lexical combination अच्छा आप वो कहते हैं कि इसमें कोई इतना ख़ास कोई लंबा जोड़ा भी इसमें डिफरेंस नहीं होता लेकिन हाँ एक डिफरेंस तो है तभी ये जो है ये डिफरेंट है एक दूसरे से अब क्या होता है कि उसके अंदर जो चीज़ें यूज़ की गई हैं कोलोकेशन में वो कोलिगेशन के अंदर यूज़ नहीं की गई है उसके अंदर वो प्रेजेंट नहीं है लेक्सिकल प्राइमिंग अज्यूम्स द लेटर द uh, explanation ऑफ फॉर collocation अकॉर्डिंग टू दिस theory has therefore टू be साइकोलिंग बिकॉज इट एज्यूम लेग्स इज कनेक्टेड इन द ब्रेन अब वो कहते हैं कि जो कोलोकेशन uh, है तो कोलोकेशन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कनेक्ट uh, किया जाता है अज्यूम ऐसे किया जाता है इसको कि वो लेग्ज से कनेक्ट होता है और वो ब्रेन यानी ब्रेन में होता है सिंपल इन प्रिंसिपल बिकॉज रिकवरी ऑफ कोलोकेशन इज ऑलमोस्ट इन ट एंड कॉम्प्लिकेटेड इनफैक्ट बिकॉज दैर इज सर्टेंट कम्बीट कम्बिनीशन आर ऑफन नोवल्स एंड क्रिएटिव कहते हैं इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें खुद से भी जो है वो बना सकते हैं कम्बी uh, उसके अंदर कम्बिनेशन बना सकते हैं फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल नॉवल्स हो गया कोई क्रिएटिव राइटिंग हो गई कोई भी शॉर्ट स्टोरी वाला एड कर दिया कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको उसी लैंग्वेज से रिलेटेड मिल रही हैं टू वेल स्टडीड फिनमिना इन साइको साइकोलिंगस एक्सपेरिमेंटेशर सीमेंटिक प्रायमिंग एंड रिपिटेशन प्राइमिंग सीमेंटिक प्राइमिंग और रिपीटेशन प्राइमिंग ठीक है दो तरह के इसके अंदर फिनमिना काउंट होते हैं साइकोलिंग जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स विथ सीमेंटिक प्राइमिंग सेंटर अराउंड प्रोवाइडिंग इंफॉमे विद आ वर्ड और इमेज रेफर टू एज प्राइम एंड विद आर टारगेट वर्ड द स्पीड विद विच द टारगेट वर्ड इज़ रिकोगनाइज एंड देन विद आर टारगेट वर्ड द स्पीड विच इज मड यानी आप देखें इसमें क्या होता है कि कोई भी जो आपने क्लॉज uh, या फ्रेज़ वहाँ पर दी हुई है या जो भी वर्ड टारगेट वर्ड है आपका टॉपिक है उसकी स्पीड उसका जो यानी रिकॉग्निशंस है वो मैयर किया जाएगा सम प्राइम्स अपेयर्स टू रिले रिटर्ड रिकॉग्निशन एंड अदर्स अपेयर टू एक्सलरेट रिकॉग्निशन। द प्राइम विंग माइट इनहेबिट द रिकोगेशन ऑफ पिग एंड बर्ड फैसिलिटीज फैसिलिटेट द रिकॉग्निशन ऑफ स्वान अब देखें जैसे इसमें यहाँ पे बता रहे हैं कि पोइट्री में हम कुछ चीज़ों को जो है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं जैसे इन्होंने एग्जांपल दी कि जहाँ पे बेशक एक पिग हो लेकिन आप उसको एक पिग बना दें लेकिन है वो पहचाना उसको जाएगा स्वान जो एक हंस जिसे कहते हैं उर्दू में एक परिंदा होता है पानी में भी जो है वो अक्सर आपको नजर आता होगा से थोड़ा बड़ा तो वाइट कलर में होता है लंबी सी कलर में स्वान ठीक है हंस अच्छा अब जो स्वान होता है वो कहते हैं उसको फेसिलिटेट तो करते हैं लेकिन हम उसको पिक का नेम दे, दे देंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम उसको खुद से चेंज कर रहे हैं प्योनीयरिंग सीमेंटिक प्राइमिंग वर्क वॉज़ कंडक्टेड बी मेयर बाई मेयर एंड हु डिमॉन्सट्रेटेड डेट प्राइमिंग वॉज साइंटिफिकली डिमॉन्सट्रेबल एंड दे वर्क वॉज फॉलोड थ्रो बाई शर्ल्टन एंड मार्टन ठीक है अपेयर्स टू शो डैट सीमेंटिक प्राइमिंग ओनली वर्कस वेन द प्राइमिंग वर्ड एंड द टारगेट आर एसोसिएटेड इन द इंफॉर्मेश माइंड वो कहते हैं हमेशा वो तभी टारगेट कर सकते हैं जब उनके माइंड में जो है वो इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है उससे एसोसिएट करती होफिलिएट करती हो जब आपके पास कोई वर्ड नहीं है कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आप उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते कोई भी uh, क्वेरी नहीं कर सकते सो डैट्स वाई सबसे पहला एसोसिएशन क्या टारगेट होता है कि आपके पास उस एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन आपके माइंड में हो अकॉर्डिंग टू दिस वर्क आ रिलेशनशिप ऑफ मीनिंग बिटवीन अ प्राइम एंड टारगेट इन टू प्रोड्यूस द प्राइमिंग इफेक्ट इन इफ द रिलेटेड वर्ड्स

मतलब फिर भी अगर उसके पास कोई उसकी एसोसिएशन नहीं है कोई एफिलिएशन नहीं है वो तब भी इफेक्ट नहीं करेगा रिपीटेशन प्राइमिंग इज़ रहा डिफरेंट फ्रॉम सीमेंटिक प्राइमिंग अब सीमेंटिक प्राइमिंग तो वर्क कर लेता है लेकिन रिपीटेशन प्राइमिंग वो से बिल्कुल टोटली यानी ऑपोजिट है In that the prime and the target are uh, identical experiments with repetitions priming center around exposing information to word combinations and then sim sometimes after a considerable amount of time and after exposure to other mat material, measuring how quickly or accurately the inform informants recognize the combination upon. Uh, रीएक्सपोय द एविडेंस इनिशियल द इफेक्ट ऑफ स्पीडिंग अपड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रिकोगेशन ऑन रीएक्सपोयर अच्छा अब जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड री सजेस्ट की जाती हैं या कोई भी एविडेंस दिया जाता है या उस चीज़ को रीएक्सपोय किया जाता है रीएक्सपोयर दिखाया जाता है वो इसी रि 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 रिपीटिंग प्राइमिंग से ही आ, लिंक करता है यानी उसका लिंक जो है वो रिपीटिंग प्राइमिंग uh, से होता है हु ऑब्जर्व ग्रेटर एक इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट ठीक है जिसका ताल्लुक होता है टारगेट की आइडेंटिफिकेशन से और उसकी पर कि वो सही से काम हो रहा है या नहीं एंड एंड डेविस ऑब्जर्व एट दिज इफेक्ट ऑफ रिपीटेशन प्राइमिंग वर मोर नोटिसेबल वेन द वर्ड्स इन द क्वेश्चन ऑफ़ लो फ्रिक्वेंसी इन द लैंग्वेज वो कहते हैं तब भी ये वर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं या ये कह सकते हैं कि वो मायनिंग रखते हैं क्योंकि उनका लिंक जो है वो सीमेंटिक प्लामिंग से रिपोटेशन प्लाइमिंग का ज़्यादा होता है इफ़ वी सूम्स द इनिशियल एक्सपॉयर इज़ बीग स्टोर्ड इन द इफॉर्मेंट माइंड सच एर अवे डेट इट्स ओरिजिनल फॉर्म कैन बी रियरली एक्सेस्ड इफ़ आ लिसनर और रीडर encounters a and b in combination and stores them as a combination then the ability of a, of a to accelerate recognition of b is explained wahi baat jo aapko starting mein batayi hai ki in dono points pe semantic priming aur semantic priming था और एक repetition repetition priming था इन दोनों को ही ये दोनों बेस करते हैं लेकिन रिपीटेशन में री एक्सपोजर होता है और सीमेंटिक uh, में जस्ट जो चीज़ उसको कर रहे होते हैं उसी का इफेक्ट होता है इफ़ द लिसनर्स और लीडर देन ड्रॉज अपॉन दिस कम्बिनेशन इज हिज और हर ओन लिसनर देन द प्रोडक्शन ऑफ कोलोकेशन इज ऑल्सो एक्सप्लेनड जब रीडर या लिसनर यानी जो रीडर है या लिसनर है वो खुद ही वही सारे वर्ड्स को ऑन ऑन अट्रेंस करता है खुद ही प्रोड्यूस करता है रिप्रोडक्ट करता है तो वो कोलोकेशन को ही एक्सप्लेन कर रहा होता है लेक्सिकल प्राइमिंग क्लेम मेक्स यूज ऑफ रिपीटेशन प्राइमिंग एंड इट्स डेट वन एवर लिसनर्स और रीडर्स इनकाउंटर और अ सेलेबल और अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड नोट्स सब कॉन्शियसली द लिंगस्टिक रिपीटली इनकाउंटर इट इट बिगन टू आइडेंटिफाइंग द फीचर्स ऑफ द कॉन्टेक्सट डेट आर ऑल्सो बींग रिपीटेड जिनको ऑलरेडी रिपीट किया गया हो अच्छा एज दीज यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से एज दिस इनकाउंटर्स विद द वर्ड सिलेबल और वर्ड कम्बिनेशन मल्टीप्लाई लिसनर्स और रीडर्स कम टू आइडेंटिफाई द वर्ड और वर्ड्स डायर प्रैक्टिकली अंपनी इट इज कॉलोकेशन ठीक है वही वर्ड सारे जितने भी जितने वर्ड्स सेलेबल्स दिए गए हैं कॉम्बिनेशन है मल्टीपल यानी वर्ड्स ज़्यादा सारे हैं और उसमें सेलेबल है जो कि लिसनर और रीडर्स जो हैं वो उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं उसको करेक्टराइज भी कर सकते हैं तो वही कोलोकेशन कहलाता है द ग्रामेटिकल विद विच इट इज़ एसोसिएटेड इट्स कोलीगेशन यानी कोलोकेशन और कोलीगेशन में डिफरेंस ये है कि अगर एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है डस्टबिन कोलोकेशन में ठीक है अब ये वर्ड्स हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन भी है कि दो वर्ड्स हैं नाउन ठीक है noun, अब फ्रेज भी बन सकता है डस्टबिन है तो इस कोलिगेसन क्या होगा कि वो उसकी क्लास बताएगा कि क्या कौन सा पैटर्न से एसोसिएटेड है पार्ट ऑफ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है डस्टबिन नाउन है प्रोनाउन है वर्ब है ये होता है ये डिफरेंस है इन दोनों में द मीनिंग विथ विच इज़ एसोसिएटेड इट्स सीमेंटिक्स एसोसिएशन और जो मीनिंग भी इनसे एसोसिएट कर रहा होता है उसे हम कहते हैं सीमेंटिक एसोसिएशन और जो इसमें रिपीट हो रहा होता है उसे हम कहेंगे रिपीटिंग एसोसिएशन लेकिन एक और वर्ड है एंड द प्रैग्मेटिक्स विद विच इट्स एसोसिएटेड और अगर प्रैग्मेटिक्स यानी जो डीप वर्ड्स होते हैं वो भी इससे रिलेटेड हों तो वो होगा प्रैग्मेटिक एसोसिएशन दस इफ दे रीड अ सीरियस न्यूज पेपर दे विल नॉट डेट अकॉर्डिंग ऑफन को अकर्स इन द पेपर विद टू आ को लोकेशन दिसकनेशन इन टर्न ऑफन को अकर्स इन सच न्यूज़ पेपर विद फॉर एग्ज़ाम्पल अकॉर्डिंग टू आर स्टडी सिमेंटिक एसोसिएशन डैट नोट टू डेट इज लाइकली टू अकर इन कॉन्टेक्सट यानी इससे रिलेटेड आप कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर लें तो वो वही वाला मीनिंग देगी जैसा कि वो पहले बताया गया है कि अगर कौल, हर एक वर्ड जो कि कोलोकेशन है वो कॉलीगेशन भी रखता है यानी कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा विदाउट कोलिगेशन नो no वर्ड ठीक है कोलिकेशन में कोई भी वर्ड हम या कोई भी फ्रेज कोई भी वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेजिज uh, ऐड कर सकते हैं uh, जो कोई क्लास रखती हो कोई प्रेगमेटिक्स मीनिंग्स रखती हो कोई कोलिगेशन हो उसके अंदर क्लास क्लास मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो बता सके कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से इसका लिंक है आज के लिए आई थिंक इतना ही बहुत है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कोलिगेशन कोलिकेशन क्या होता है और इसी की प्राइमिंग क्या होती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाफ